नंबर बाहर फ्री है, उसे कहीं किसी को कुछ बोल दिया तो, उसे कहीं किसी को कुछ बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉल आउट ऐसा क्यों है? 10 मिनट तुम्हें याद है बहुत दिन पहले सयानी दादी ने मुझसे क्या कहा था? सयानी दादी ने कहा था कि जब दो बंदों के दिल जुड़ जाते हैं तो एक दूसरे के दर्द का एहसास हो जाता है। कहा था ना? एक बारी पलट के देख लो सिकंदर जी, सच आपके सामने है। पर क्या दर्द है? मैंने पता चाहे तो कुछ भी बोले, तुम मुझसे दूर कर नहीं जाना चाहेंगी। दस मैनू मुड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूं? सिकंदर तुम क्या कर रहे हो? अमारा की दवाइयां लानी है, अमारा की दवा। एक 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 चीज आज क्लियर कर दो तुम, तो तुम क्लियर कर दो कि तुम्हें अमारा की फिक्र है भी या नहीं। क्या बोल रही हो? क्या चाहती हो? कभी कुछ तो कभी कुछ। तुमने ये जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है ना। तुमने मुझे मना कर रखा हमारे से मिलने के लिए, उसके पास जाने के लिए। मेरा मन करता है उसके पास रहने का, उसका ख्याल रखने का, उसके साथ वक्त बिताने का, लेकिन तुमने मना किया हुआ है। अब ये कह रही हूँ क्या चाहती क्या हो तुम? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या चाहती हूँ सिकंदर, अच्छी तरह जानते हो। कर रहा हूँ मैं वो, हमारा की खातिर कर रहा हूँ। फाइन, तो फिर जाओ जाओ अमायरा की मेडिसिन जाकर लेके आओ और मुझे दो। और ये मत सोचना कि अमायरा की मेडिसिन लाकर तुम उसे मिल पाओगे। बहाने मत ढूंढना उसे मिलने के, मैं नहीं होने दूंगी ऐसे, क्योंकि मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि तुम्हें उसे घर वापस लाने की कोई तैयारी नहीं किया सकती, कोई तैयारी नहीं किया तुमने। जाओ अभी जाके मेडिसिन लेके आओ और मुझे दो। जाओ अभी जाओ। जाओ बाहर जाओ, एक बार मुड़ के देख लो सिकंदर जी। जा रहा हूं, धक्का मत दो। वो मुड़ने ही वाले थे, एक बारी मुड़ के पढ़ लेते तो। अब मैं की करा? निम्रत, ये आपने किया? ये इधर जो लिखा आपने लिखा? क्यों लिखा आपने? मैं को क्यों टॉर्चर कर रहे हो आप? प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, मैं नहीं सिकंदर को नहीं पता लगने दूंगी कि उसकी बेटी है। मैं कभी नहीं पता लगने दूंगी। ओके, मेरे को अकेला छोड़ो आप, मैं कभी नहीं पता लगने दूंगी। मारना चाहती हो मुझे? फाइन, मार दो, किल मी, गाओ। मैं नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, मरते दम तक नहीं बताऊंगी, मरने के बाद भी नहीं बताऊंगी। मार दो मुझे, मैंने बोला ना मार दो मुझे, नहीं बताऊंगी।
एक मिनट, आप मुझे हर्ट क्यों नहीं कर रही? आपने वास तोड़ा, आप मेरे सर पे भी पहुंच सकती थी। अगर आप मुझसे इतनी नफरत करती हो तो मुझे मार क्यों नहीं रही हो? आप ऐसा नहीं कर रही हो क्योंकि आप ऐसा करना चाहती ही नहीं हो। आप तो कुछ कर ही नहीं सकती। सही पकड़ा, अभी तो पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। क्यों इतनी नफरत करो? मैं तेरे बस का कुछ है ही नहीं, जान गई हूँ। एक है ये कुल्फी और एक है तू निमरत। निमरत जहाँ भी छुप के बैठी ना, सुन ले, तू है क्या? है क्या मतलब थी क्या? तू किया क्या है लाइफ में तूने? एक गवार पुअर गांव की बेचारी सी गोरी टाइप्स की लड़की थी तू, जो मेरी गाड़ी के नीचे आके मर गई और तेरी कहानी खत्म। इतनी ही थी तेरी कहानी, और कुछ नहीं किया तूने लाइफ में। एक माँ वो होती है ना जो अपनी बेटी की खुशी के खातिर कुछ भी कर जाए, उसके साथ जिए, उसके साथ मर जाए। तूने क्या किया? अकेले मर गई तू। मैंने जो किया ना आज तक किसी माँ ने नहीं किया होगा, लेकिन मैंने जो भी किया ना अपनी अम्मायरा के लिए किया। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बीवी को ऐसा कुछ पिला दिया जिस... पर मैंने ये सब ना इसीलिए किया था कि मैं कुल्फी को सिकंदर की लाइफ से आउट कर सकूं, ताकि मेरी अम्मायरा को कभी अपने डाडा को किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़े। अगर मेरी अम्मायरा को कुछ हो जाता ना, आई स्वेयर टू गॉड उसी सेकंड अपनी जान दे देती मैं। अम्मायरा की सलामती के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसके डाडा के लिए मैंने सिकंदर की मॉम और उसके भाई से बोला कि कुल्फी का सच कभी किसी को ना बताए, अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला ना, मैं और अम्मायरा अपनी जान दे देंगे। सिकंदर के अलावा निमरत सब जानते हैं कि कुल्फी उसकी बेटी है, और मैं कभी उसे पता लगने भी नहीं दूंगी। सुना तूने? उस कुल्फी को भी मैंने दूर भेज दिया था, पर वो वापस आ गई। क्यों? तेरी बेटी है ना ढीठ टाइप की, आ गई मेरी जिंदगी में अपनी अपनी क्या पोटली उठा उठा के चलती रहती है, पूरा टाइम अपने पास पता नहीं क्या लेके घूमती रहती है, अपनी माँ की निशानी, अपनी माँ की धरोहर। डायरी तेरी है ना वो? सिकंदर के गीत, निमरत के नाम, आओ बदल दी मैंने वो डायरी। तेरी वो पोटली भी छुपा दी मैंने, किसी को नहीं पता कहाँ है। अब देखते हैं तूने कुल्फी के लिए क्या किया। डैंग डैंग, तूने पहले कुल्फी को पैदा किया, फिर कुल्फी को अकेला इस दुनिया में छोड़ के मर गई। यूजलेस थी, यूजलेस रहेगी, और मेरी बात ध्यान से सुन। जहाँ पर भी छुप के बैठी है ना, तेरी कुल्फी को तो मैं 2 दिन के अंदर अंदर इस घर से बाहर फेंक दूंगी। तुझे मेरे साथ रहना है, 24 घंटे मेरे सर पे बैठ। लेकिन निमरत, तेरी कुल्फी मेरे घर से बाहर होगी 2 दिनों के अंदर। Got it? निम्मी, शोर नहीं करना, मैनु पता है तो मेरी कुल्फी से बहुत प्यार करता है, ये भी तुझसे बहुत प्यार कर दी है, ये इतनी भोली है, इतनी प्यारी है, अपने बाबा से, उनके परिवार से इतना प्यार करती है कि उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। इसे अपनी कोई फिक्र ही नहीं है, पर मैनु तो है। मैं की करा कि सिकंदर जी को सब सच पता चल जाए, मेरी हर कोशिश नाकाम। मैं की करा जाने कुत्ता जी, तू ही बोल, मैं अपनी बच्ची के वास्ते की करा। तू मेरा साथ देगा?